नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, मंगली वणक्कम। आप सभी का ऑल मी मीडिया में फिर से स्वागत है। आज एक मौलाना की हो गई है मोए मोए। मोए मोए का मतलब होता है बैड ड्रीम, नाइट मेयर्स। तो कैसा है ये, कौन है ये? ये है तौकीर रजा, जो कि ग्रैंड सन है किसके, अहमद रजा खान के, द बरेलवी मूवमेंट के हेड है ये। इनके तारीफ में दो चार शब्द कहना चाहूंगी। ये बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमको हाथ मत लगाना, हमारे लड़कों को मत बहलाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे। तो मैं उसी खुशी में कहना चाहती थी, सर आप सब कर लीजिए, हम, मैं और नाजी आपके लिए टिकट स्पॉन्सर करना चाहते हैं, टिकट टू सीरिया एंड टिकट टू अफगानिस्तान। इफ यू वुड लाइक टू विजिट, प्लीज हैव अ स्टे देयर एंड देन प्लीज गिव दीज डायलॉग्स। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी पे अभद्र टिप्पणी, प्राइम मिनिस्टर पर तो हर कोई चलते फिरते कर देता है, बरेलवी सेक्ट को लीड करते हैं, वॉर्न्ड गवर्नमेंट अगेंस्ट बुलडोजर एक्शन, ये खड़े हो गए थे तमके योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर के आगे में, मैंने सुना था। हिंदूज विल नॉट फाइंड अ प्लेस टू हाइड ऑन दी ऑन दिस अर्थ इफ मुस्लिम टेक लॉ इन देयर हैंड। सीधे सीधे हेट स्पीच के एक नहीं इनके पास, मैं अगर बोलूंगी अगर यूपी पुलिस स्टार्ट करेगी तो इनके पास मेरे ख्याल से कम 100-150 हेट स्पीचेस आ जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ है कि अपनी रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। इनके दादाजी चले गए, परदादाजी चले गए, उसके बाद इनको यूपी चेयरपर्सन हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के टाइम पर, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम, मुजफ्फरनगर आए, इसके बाद इनको निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। तब से इनकी रोटियां सिक नहीं रही है, घर में शायद बिजली पानी के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो यही तरीका अपना रहे हैं आज के डेट में। नाजिया मेरे से ज्यादा बेटर इलाबोरेट करेंगे, मैं ज्यादा स्पेस नहीं लूंगी क्योंकि नाजिया जो बोलेंगी वो ज्यादा बेटर होगा। नाजिया ओवर टू यू, इनको पुलिस ने इनकी कर दी है मोए मोए, इनके सुरताल को चेंज होते हुए सुनाई दे रहे हैं मुझे। जी जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने अभी कहा कि बिजली पानी से ही इससे बड़ी मुश्किल से इसका घर चल रहा होगा। बेसिकली इसने मौलाना तौकीर रजा ने, इतने मौलानाओं ने भड़काऊ भाषण दिया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के अब तक, कि भाई मैं अब मौलाना मौलाना करने लगी हूँ। एनीवेज, तो इनका जो घर है वो बिजली पानी को तरस नहीं रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा यूपी में इनके पास मार्केट है और इन्होंने जो मुसलमान युवाओं को भड़काया है वो इन्होंने किसी इस्लाम के लिए नहीं भड़काया है, या इस्लाम की रजा के लिए नहीं भड़काया है, या इस्लाम के पक्ष में, या इस्लाम की खूबसूरती के लिए, या इस्लाम का डंका पिटवाने के लिए नहीं भड़काया है। असल में अभी अभी सबको हंसी आ जाएगी। असल में जनवरी के महीने में इनके इनके भाई के नाम से जो मार्केट था उस पर इलीगल इलीगल मार्केट का और इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक नोटिस जो है वो नगम निगर से जारी हो गया था, और जैसे ही 4 फरवरी को वो पूरा का पूरा मार्केट डिमोलिश कर दिया गया तो इनके जो तलवे के नीचे से जो है ना वो जमीन खिसक गई। ये सोचे कि ये इतने बड़े मौलाना हैं, यूपी से लेकर के, भारत से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, पूरा का पूरा पाकिस्तान और सीरिया इनके हत्थे में है, इनकी मुट्ठी में है, फिर ये कौन आदमी है जो मेरा मेरा पूरा का पूरा मार्केट डिमोलिश करा दिया। और उसी वक्त उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को मैदान में उतरना होगा, ये उसी वक्त 4 फरवरी का पहला डायलॉग उन्होंने दिया था। और देखिए इसकी किस्मत, मुसलमानों की किस्मत भारत में बहुत तेज है, उसी वक्त ज्ञानवापी का ऑर्डर आया था, 31 दिसंबर को ऑर्डर आया था और 7 घंटे के अंदर पूजा हुई थी। तो वो चड़मड़ाहट तो सारे मौलाना भारत में जितने भी मौलाना है सबको थी। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद फिर ज्ञानवापी का ऑर्डर, 7 घंटे में ज्ञानवापी का पूजा, ज्ञानवापी की पूजा, उसके बाद फिर 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनका पिटिशन को रद्द कर दिया, कहा कि अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है। उसके बाद फिर उत्तराखंड में यूसीसी का जारी हो जाना, उसके बाद फिर उत्तराखंड में भी जो एक हरियाणी ने किया, हाँ वहां पर जो आज पूरा उसी पे नेशनल न्यूज पे मैं लगी हुई थी, तो वहां पर जो पूरे पूरा इंक्रोचमेंट जो रेलवे के पास मुसलमानों का था उसका टूटना, तो ये सारी चीजें एक साथ जुड़ गई और इनके कलेजे में आग लग गई, इनका नाड़ा इन्होंने टाइट कर लिया। और टाइट करने के बाद ये चल पड़े थे दिल्ली, ये दिल्ली चल पड़े थे, और दिल्ली से इनकी पता नहीं मीटिंग किसके साथ हुई
पर वहीं से वीडियो बनाया और चोर 1000 चोरी कर ले पर एक सुराग छोड़ देता है। उन्होंने जिस गाड़ी में वो बैठे हुए थे उसमें DL का बोर्ड लगा हुआ था और कहा कि दिल्ली में हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई है, नौजवानों तैयार हो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ो और तैयार हो जाओ, अल्लाह अकबर का नाम लो और तैयार हो जाओ, अल्लाह एक है पाक और बेऐब है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लो और तैयार हो जाओ। अब इन्होंने मुसलमानों को उकसाया कि अब तो ला इलाहा की बात आ गई है, लेकिन बेसिकली बिहाइंड द कर्टन बात क्या थी कि इनके इनका मार्केट था जो इनके भाई फैज रजा के नाम से था, जो लोकेट था आला हजरत दरगाह के पास, उसको तोड़ दिया गया था क्योंकि वो अवैध निर्माण था। तो ये गुस्सा यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, अब आती है बात कि दिल्ली में मुलाकात किससे हुई है, ये भी बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी, ठीक है ठीक है। अब ये मौलाना साहब जो तौकीर रजा है, ये अपनी छाप ही छोड़े हैं, भड़काऊ भाषण, सुलगता हुआ भाषण, मुंह से भी आग, माचिस से भी आग, उसके बाद फिर पेट्रोल बम जो आता है उससे भी आग, बोतल शीशी वाला जो बम आता है उससे भी आग। मैंने कई बार गायत्री जी तमाम भारतवासियों को समझाया है कि देखिए मुसलमान निहत्ता नहीं है, मुसलमान बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। धरती पर मुसलमान के हाथ में पत्थर होता है, घर के अंदर बिस्तर पर चार चार बीवियां होती हैं अश्लीलता के लिए, जुबान में हिंदुओं के लिए काफिर वर्ड होता है, और जब ये थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करते हैं, थोड़ी सी लस्ट वाली बातें करते हैं तो 72 वर्जिन हूरों का मजा ले लेते हैं। इतने बड़े मॉब को टुकड़े टुकड़े गैंग करके हर जगह पे प्रदर्शन करवाने में पैसा भी लगता है, बहुत पैसा लगता है। अब वो पैसा कहाँ से आया था और दिल्ली में किनके साथ अच्छी मीटिंग हुई थी वो मैंने आपको दे ही दिया सबूत। अब आती है बात कि हमारे भारत के जो सनातनी है ना और नॉन मुस्लिम्स है ना, वो बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं। 1947 से लेकर के 2013 तक में हमारे पूरे भारतवासियों को पता था कि मदरसा का खर्चा पानी जो है वो कांग्रेस की सरकार ने नेहरू से लेकर के मौन व्रत तक, जो फिरंगी औरत के आंचल में छुपा रहता था भारत का प्रधानमंत्री, वहां तक मदरसा चलवाया जाता था राज्य के पैसे से, राज्य सरकार के पैसे से और केंद्र सरकार के पैसे से। अब मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है, जरा मैं पढ़ के सुना दूं आपको। सूरह अल बकरा, वक्तलुहुम हैसो सफिकतुमुहुम व अखरजुहुम मिन हैसो अखरजुकुम, किल देम वेयर एवर यू फाइंड देम एंड ड्राइव देम आउट फ्रॉम वेयर दे ड्रोव यू आउट एज फितना। तो मदरसे में तो यही पढ़ाया जाता है कि जहां जहां आप लोग पकड़ाइएगा वहां वहां मुसलमान मारेगा, जहां जहां आप लोग दिखिएगा वहां वहां मुसलमान मारेगा। तो भोले हैं ना आप लोग, आप लोग भोले हैं। कांग्रेस तो पैसा ही दे रही थी काफिरों को मारने के लिए मदरसे को, और काफिर है कौन, 82.7% सनातनी है। अरे भाई क्रिश्चियन कितने ही हैं, इजरायली कितने ही हैं, बौद्ध कितने ही हैं, भारी मेजोरिटी कौन सी है, भारी मेजोरिटी तो 82.7% तो सनातनी है। तो 1947 से 2013 तक जो मदरसे को पैसा दिलवाया जा रहा था और अंबेडकर जी के जो संविधान में इम्प्लीमेंटेशन दिलवा करके वक्फ बोर्ड, उसके बाद फिर हलाल सर्टिफिकेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारी चीजें क्यों खुलवाई गई थी, ये इसीलिए तो खुलवाई गई थी कि इनको कुरान के पन्नों से पढ़ पढ़ करके तैयार किया जाए और ये एक दिन जब मजबूत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे तो ये काफिरों को खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि बीच में 2014 में पासा पलट गया और मोदी जी की सरकार आ गई। अब इन लोगों का हो गया मोए मोए आपके अंदाज में और मेरे अंदाज में हो गया टाई टाई फुस। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बेचारे जो हैं तौकीर रजा साहब और अवेसी साहब, इन्होंने तस्लीमा नसरीन को भी बहुत बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान किया था। तौकीर रजा साहब और अवेसी साहब ने
सानिया मिर्जा को भी बहुत परेशान किया था जब वो बहुत फेम बटोर रही थी। सानिया मिर्जा हैदराबाद में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब ऐसे ही बोलता था निकल मारेंगे। तस्लीमा नसरीन को तो जोड़ा अवेसी ने उसके ऑफिस में घुस करके मारा था, वो वीडियो आज भी गूगल पर अगर कोई ढूंढेगा तो मिल जाएगी, लेकिन अवेसी की शक्ल को हटाया गया है पर अवेसी की आवाज है और लोग अवेसी की आवाज भारत में बच्चा बच्चा पहचानता है। अब बात आती है कि देखिए गलती इसमें भारी मेजोरिटी वाले लोगों की है, जब हम जैसे लोग अप फ्रंट मजबूरी में पब्लिसिटी के लिए नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको आधा घंटा दे रही हूँ या मैं किसी को भी या नेशनल न्यूज पे बैठ करके चिल्ला रही हूँ, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें मेरा वक्त जाता है, लेकिन देश से इतनी मोहब्बत है, संविधान से इतनी मोहब्बत है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग जैसे लोग जब 8 साल से आकर के अप फ्रंट में चीख रहे हैं तब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है, तब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है 50 सीटें 100 सीटें कांग्रेस से अलायंस पार्टियों को दे ही देते हैं। अब बात आती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु लातत्तखुज़ु अबाउकुम व अख़वानकुम औलिया, ये क्या बोल रहा है, ये आप लोगों को मारने की बात कर रहा है। अत्तौबा, अगर आप तौबा कर लिए तो ठीक है और अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो सर तन से जुदा है भैया, सर तन से जुदा है। अब बात आती है कि आप भारत में कौन से मुसलमान को अच्छा समझते हैं। मुझे तो कई बार लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि नहीं पढ़े लिखे मुसलमान अच्छे हैं, पढ़े लिखे मुसलमान नहीं, जब तक मुसलमान के मुंह से वंदे मातरम ना निकले तब तक वो मुसलमान अच्छा नहीं है, तब तक वो मुसलमान अच्छा नहीं है। मुझे आज भी याद है सुषमा स्वराज जी की वो स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 1969 में दिया था कि हम ये चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि भारत बहुत लिबरल है, भारत बहुत सेक्युलर है, हम सब धर्मों को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का काम बस इतना ही है कि सुबह उठो और हिंदुओं को काफिर बोलो और अगर अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो वो हमको पूरे के पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश कर देंगे। आज देखिए राहुल गांधी पूरा परिवार, नेहरू, आप नेहरू को सोचिए कि वो कई ऐसी मंदिरों के इनोग्रेशन में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया करता था, खुद नहीं जाता था और वो बोलता था कि हम परेशान हो गए तुम लोगों के ये सनातन धर्मों से, ये नेहरू का बाय रिटन लिखा हुआ है। अब मैं असलियत खोलना चाहूंगी आपके साथ, आप भारत के मुसलमान में किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाइए, वो हमीद अंसारी बन करके बोलेगा कि वो भारत में सुरक्षित नहीं, ठीक है। आप भारत में मुसलमान को एक्टर और फिल्म स्टार बना दीजिए, वो आमिर खान बन करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बैठ करके बोलेगा कि वो डरा हुआ है भारत में, उसको बहुत डर लग रहा है, वो कमाएगा भारत से, वो नाम शोहरत पैसा लैविश लाइफ और वो भारत में महफूज नहीं है। आप भारत के मुसलमान, आप उमर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो कहेगा कश्मीर भारत का अंग ही नहीं है, वो जिद पकड़ के बैठा रहेगा कि भाई कश्मीर भारत का अंग नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि कश्मीर भारत का अंग है। अब ऐसे लोगों को लोग सोचते हैं कि मुसलमान को ऊंचे तख्ते पर बैठाओ, चलिए ठीक है भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना लीजिए मुसलमान को, वो अवेसी बन करके बोलेगा 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, देखो सारे हिंदुओं का सर तन से जुदा, ठीक है। आप मेयर बना दीजिए मुसलमान को, फरहाद हकीम, वो बंगाल की गलियों को बोलेगा मिनी पाकिस्तान है, बहुत प्राउड फील करके। आप एमएलए बना दीजिए मुसलमान को, वो अमानतुल्ला बन करके हिंदू मुस्लिम में राइट करवाएगा। आप कॉर्पोरेटर बना दीजिए, वो ताहिर हुसैन बन करके हिंदू मुस्लिम का दंगा दिल्ली में करवाएगा, ठीक है। आप एमबीबीएस बना दीजिए, वो अफजल गुरु बन करके भारत के पार्लियामेंट पर अटैक करेगा, ठीक है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दीजिए, वो याकूब मेमन बन करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेट बना करके मॉस्को भेज दीजिए, ब्यूरोक्रेट बना करके भारत का ब्यूरोक्रेट बन करके वो मॉस्को चला जाएगा, वो वहां से ब्यूरोक्रेट भारत का बन करके वो वहां से पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजेगा। 4 फरवरी को अरेस्ट हुआ है, गूगल में सर्च कर लीजिए, 4 फरवरी 2024 में अरेस्ट हुआ है भैया, गूगल में सर्च मारिए,
कि मॉस्को का कोई ब्यूरोक्रेट अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है तो आप कौन से मुसलमान को आप क्या समझते हैं? देखिए मुसलमान क्या मान रहा है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि वो बहुत आमीन है, वो बहुत सादिक है। आमीन का मतलब होता है अमन पसंद, सादिक का मतलब होता है अमानत में खयानत नहीं करने वाला। तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि भारत, भारत के मुसलमान पैगामे रसूल नहीं है, पैगामे मुगल है, वो अकबर बाबर और औरंगजेब को फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये दाढ़ी टोपी, चुटकी दाढ़ी, सर पे टोपी, उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता में ये क्या बनने की कोशिश करेंगे? ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, ओवरसियर नहीं बनेंगे, मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, वकील नहीं बनेंगे, जज नहीं बनेंगे, जस्टिस नहीं बनेंगे, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तो इनको बनना क्या है? इनको अल्लाह तबारक ताला का स्लीपर सेल बनना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है इनको। ये अल्लाह तबारक ताला के स्लीपर सेल है और मुगलों के दलाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आती है बात, फिर से मैं आ जाती हूँ तौकीर रजा पर। तौकीर रजा की तो अभी एक संपत्ति टूटी है, एक मार्केट पूरा। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है बिफोर आप सेकंड संपत्ति इनकी प्रॉपर्टी पर जाएं जी। ये प्रियंका गांधी से मिलने गए और अचानक से 4 फरवरी 6 फरवरी के बीच में मिलने गए, इस कनेक्शन पे थोड़ा सा आप और रोशनी डालेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा तो अलग है, इट इज नॉट समथिंग आई कैन डाइजेस्ट। और आजकल प्रियंका गांधी बड़ी साइलेंट हो गई, बड़ी चुप हो गई। राहुल गांधी तो उधर मजे ले रहे हैं भारत न्याय यात्रा के, उनका बॉडी डबल, मतलब बॉडी डबल मेहनत कर रहा होगा बेचारा, हम शक्ल मेहनत कर रहा होगा, ये तो गाड़ी में आराम से खा पी रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे। प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही, कहीं वो पीछे से यही सब काम तो नहीं कर रहे हैं? कि भारत न्याय यात्रा में पहले थोड़ा समय एक मिनट बोलना चाहूंगी। भारत न्याय यात्रा में फिर वो अन्याय कर रहे हैं। एक तो वो भगवान शिव के साथ अन्याय किए, पूजा आराधना जो है वो फेंक फेंक कर किए। दूसरा अन्याय जनता के साथ कर दिए कि जो बिस्किट कुत्ते को खिला रहे थे वही बिस्किट जनता के हाथ में पकड़ा दिए। तो मतलब अन्याय, क्योंकि ये गांधी परिवार जिस गांधी जी के गोद में बैठ करके नेहरू प्रधानमंत्री बन गया, उसी अमेठी से जब गांधी जी के पोते ने वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरा था तो पुलिस स्टेशन में बैठ करके उनको अपनी जान बचानी पड़ी थी, गांधी जी के ग्रैंडसन को। अब आप सोच लो। अब आती हूं मैं कि आप लोग बहुत आश्चर्य में तीन चार महीना पीछे चले जाइए, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर में चले जाइए। जितने भी यूट्यूबर्स थे उसके व्यूज बहुत डाउन हो गए थे। लोग सोच रहे थे कि भाई इतने व्यूज क्यों डाउन हो गए, हमारे तो अच्छे खासे व्यूज आते थे। राष्ट्रवाद खुद को कहलाने वाले बड़े बड़े चैनल का चेहरा हम लोगों को यूट्यूब में नजर आ गया था और 2 घंटे में 1 मिलियन पहुंच जाता था। बाद में क्या खुलकर आया कि चाइना के न्यूज क्लिक से इन लोगों का अटैचमेंट है और सोनिया गांधी जाम से जाम टकराया करती थी चाइना के लोगों के साथ, चाइना के ब्यूरोक्रेट के साथ। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनके आंचल में छुपे रहते थे। तो आपको क्या लगता है कि बाटला हाउस के वक्त में भी तो कांग्रेस इनके ऊपर इंक्वायरी करने वाली थी पर तो कुछ तो नहीं की, कुछ भी नहीं की। हम और आप अभी इस बारे में बात भी कर रहे थे, आपने भी बोला। तो बाटला हाउस के वक्त भी तो कांग्रेस से इन लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। अब आप देखिए कि 1992 में प्राइवेट जेट से राम भक्तों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी? यही अखिलेश यादव के अब्बू जान, उन्होंने चलवाई थी। आजम खान इतने जमाने तक अरबों खरबों रुपया किसके लिए लेता रहा? कब्रिस्तान बनाने के लिए, जिसमें ना किसी को जाने का मन है ना किसी को बुलाने का मन है कब्रिस्तान से, दोनों काम नहीं चाह रहा है मुसलमान। और कुरान में भी लिखा हुआ है कि पक्के कब्रिस्तान, लाविश और इंटीरियर वाले कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए। तो फिर ये अरबों खरबों जा किधर रहा था? तो ये इनका गुट है। मैं एक बार आरजू काजमी जी के साथ, और मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं एक दिन आरजू काजमी जी के साथ बैठी हुई थी उनके उनके शो पर। उन्होंने डॉक्टर इरशाद को बैठाया हुआ था जो नवाज शरीफ की पार्टी के एमएलए हैं। वो नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो कंटिन्यूअसली राहुल गांधी का प्रचार किया जा रहा है। मैंने खामोशी से 2 मिनट उनका सुना। सबको पता है कि मैं बहुत ज्यादा ये लफंदरों का चीजें बातें जो है मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मैंने कहा भैया मुझे तो इतना ही पता चला था कि 28 पार्टियां जुड़ी हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की नवाज शरीफ की पार्टी भी जुड़ गई है राहुल गांधी में। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो वीडियो सब जा करके देखे
कि हाँ राहुल गांधी जीतेंगे, वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मुसलमानों को उनका हक दोबारा मिल जाएगा भारत में। मैंने कहा अच्छा, तो आप ये अग्री करते हैं कि मुसलमान तभी हैकर थे, तभी शैतान की तरह आराम से नंगा घूम रहे थे जब गांधी परिवार था? तो वो कहे नहीं, मुसलमान बहुत अच्छे से और खूबसूरती से रहता था जब गांधी परिवार था। तो इस तौकीर रजा के साथ आपने प्रियंका वाड्रा की आपने तस्वीर देखी है, इसमें शौक होने की बात नहीं है, बिल्कुल शौक होने की बात नहीं है। इलेक्शन से पहले पहले मैं कुछ ऐसी तस्वीरें रिवील करने वाली हूं जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रियंका वाड्रा जो कल तक टाइट स्किनी जींस और टॉप में घूमती थी, आज अचानक से दुपट्टा डाल लेने से और सलवार जंपर पहन लेने से हम उनको अपने देश का नेता नहीं मान लेंगे। अगर संविधान को लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो जो हमारी सेना है ना, जो हमारे हीरो है, जो हमारे आइडियल है, जो हमारे आर्मी ऑफिसर है, वो भी अगर शादी किसी दूसरे देश में करते हैं तो उनको जीरो ग्राउंड से उठा करके डेस्क पर बिठा दिया जाता है या तो रिजाइन ले लिया जाता है। तो हम अपना देश किसी फिरंगी औरत की झोली में भी नहीं डाल सकते और किसी वाड्रा के भी झोली में नहीं डाल सकते हैं, कभी भी नहीं डाल सकते हैं, और पाकिस्तान माइंडेड वाले गांधी परिवार के झोली में भी नहीं डाल सकते हैं, कभी नहीं डाल सकते हैं। तो प्रियंका वाड्रा ऐसे ऐसे लफंदरों से मिलती है, ये कोई मतलब बहुत शॉकिंग वाली बात। जी अच्छा, तो फिर इनके साथ क्या हुआ, मतलब टुवर्ड्स दी एंड इनको क्या हुआ? तो तौकीर रजा को लेकर गई यूपी पुलिस, कुछ हुआ? मैंने सुना उनके सुरताल थोड़े बदल गए थे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद में। जी तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई उहाई भी मैं तो उस वक्त नेशनल न्यूज पे थी गायत्री जी, मैंने तो कहा था बैठा छोड़ दो, क्योंकि मॉब के साथ अरेस्ट कर लेता अगर दोपहर में यूपी पुलिस, तो पेटी केस हो जाता, और पेटी केस होने का मतलब होता है, विथ मॉब अरेस्ट करने का मतलब होता है कि सनसेट के बाद बेल दे देना पड़ेगा, वो सिग्नेचर करके आधार कार्ड दे दिखा करके बेल हो जाता है। तो मैंने कहा तो छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो, देखो कितना दिन बैठा रहता है भाई। शाहीन बाग में लोग बैठे थे, बंगाल में सीएए के लिए दो दो तीन तीन साल लोग बैठे हुए थे, कानपुर राइट में हमने देखा लोगों को धरना देते हुए, थोड़ा सा इसको भी देने दो। लेकिन फिर बाद में तो बहुत बुरे तरीके से अरेस्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सुनी नहीं। अरे कैसे नहीं सुनेगा, तुम अपील तो करते, सुबह 4 बजे तुमको फोन करता सुप्रीम कोर्ट, क्या बात कर रहा किया जा रहा है। अंजुमन इंतजामिया ने 7 घंटे के अंदर 31 जनवरी को ऑर्डर आया था ज्ञान भापी का कि पूजा हो सकती है, और 7 घंटे के अंदर पूजा हुई है, और 7.5 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंच गया था, और सुबह के 7 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का फोन आ गया था अंजुमन इंतजामिया के वकील को कि नहीं अभी इमरजेंसी नहीं है, आप आराम से अभी हाई कोर्ट जाइए आप। तो भाई 7 बजे फोन तो आया, हमें तो नहीं आता है, तो इसलिए अगर वो जाता तौकीर रजा तो सुप्रीम कोर्ट रात में 2 बजे भी खुल ही जाता। आप देखिए याकूब मेमन जैसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है, सुबह तक खुला रहता है, निर्भया के बलात्कारियों के लिए खुला रहता है, सीमा गुलाम हैदर के लिए जनहित याचिका दायर होती है तो हमारा देश तो महान है, महान है हमारा देश तो जाने से जरूर सुनता सुप्रीम कोर्ट। मैं ये मान ही नहीं सकती हूँ कि मौलाना तौकीर रजा की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। अरे क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब, बकवास बात कर रहे हैं। अगर रात में 12 बजे भी स्कूटनी में तौकीर रजा अगर अपनी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट को स्कूटनी में देते तो रात भर जजेस पढ़ करके सुबह 5 बजे फजर की नमाज से पहले फोन कर देते, तौकीर साहब आप हाई कोर्ट चले जाइए, जरूर होता है ऐसा। लेकिन वो गए नहीं है, तो चलिए अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को समझना चाहिए कि जिन जिन के हाथ में पत्थर है, जब तक उनके हाथ में हथकड़ी नहीं जाएगी, ये लात के भूत हैं, ये बात से नहीं मानेंगे। हमको जिन्नात भगाना होता है ना तो हम क्लॉज ऑफ रिबिल नास पढ़ते हैं, और आप लोगों को भूत भगाना होता है ना तो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो ये जो भूत है ना, ये अपंग भूत है, ये इस्लामिक भूत है, तो इसको कैसे भगाना होगा? हथकड़ी से भगाना होगा। जी बिल्कुल सही। अहमद रजा खान के ग्रैंडसन जो कि बरेलवी मूवमेंट के थ्रेटन करते हैं, वी विल किल, ऐसा भी न्यूज आई है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि वी विल किल, हमें उकसाओ मत, हमारे नौजवानों को उकसाओ मत। और फिर जब इनको पुलिस धर लेती है तब इनके सुर ताल बदल जाते हैं, तब कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा देन वी विल डू सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब क्या? मतलब आपके ऊपर अटैक होगा तब तो आप सेल्फ डिफेंस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आ गया इसमें? मतलब बिन क्या बोलते हैं,
बिन ताल के सुर और बिना सुर के ताल, कुछ ऐसी सी बातें करने लगी, लगता है कुछ झटका लगा इन्हें। जेल भरो आंदोलन का बहुत बड़ा नारा दिया था इन्होंने, चले जाते जेल किसने रोका है, थोड़ा मजे कर आते, दो चार दिन रोज रोज आराम से खाना पीना खाते, वैसे भी रोजी रोटी छिलने वाली है, पर सैडली इन लोगों की रोजी रोटी कभी छिनती नहीं है। पाकिस्तान बैठा हुआ ना बगल में, भूखो मर जाएगा पर इन लोगों को खिलाएगा आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच नाजिया फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।